नमस्कार, पूरी दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। याकूब मेमन की फांसी पर भड़के ओवैसी, साक्षी महाराज का पलटवार। मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी पर राजनीति उस समय गर्मा गई जब MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार धर्म को आधार बनाकर मेमन को फांसी पर लटका रही है, जो ठीक नहीं है। ओवैसी ने कहा कि मजहब को आधार बनाकर किसी को फांसी देना ठीक नहीं है। ओवैसी के इस बयान पर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि जो लोग भारत की कानून व्यवस्था का सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इधर भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 1993 के धमाके में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मेमन की फांसी पर ओवैसी अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जेलों और थानों में लगाएं CCTV कैमरे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में सभी राज्य सरकारों को जेलों और पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने एक मानवाधिकार संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सभी जेलों में CCTV कैमरे लगाए जाएं, साथ ही सभी थानों के लॉकअप भी CCTV की नजर में रहें। अदालत ने यह भी कहा कि सभी थानों में कम से कम 2 महिला अधिकारी हों। राहुल गांधी को भाजपा की धमकी, कहा सुषमा से माफी मांगे। भाजपा ने शुक्रवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ टिप्पणी के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा और ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध मानहानि का आपराधिक मामला दर्ज कराने की धमकी दी। राहुल गांधी ने ललित मोदी प्रकरण में सुषमा स्वराज के कदम को आपराधिक कृत्य बताया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राहुल ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वह दुर्भाग्यपूर्ण और अलोकतांत्रिक है। सुषमा स्वराज के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी को बचकाना और अपरिपक्व राजनीति करार देते हुए गडकरी ने कहा कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तब यह गंभीर समस्या है। राजग सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ संसद परिसर में दिया धरना। ललित मोदी प्रकरण और व्यापम घोटाले के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद में इस सप्ताह कोई कामकाज नहीं होने के बीच राजद सदस्यों ने शुक्रवार को कांग्रेस शासित राज्य में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ संसद भवन परिसर में धरना दिया। साथ ही देश हित में संसद में सुचारू रूप से कामकाज चलने देने की मांग की। भाजपा के नेतृत्व में राजग सांसदों ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना दिया, जिसमें अकाली दल, तेदेपा और PDP के सदस्य शामिल थे। राजग सदस्य तख्तियां लिए हुए थे, जिस पर लिखा था कि संसद को चलने दो। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।